पेड़ के नीचे भगवान सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनी। भगवान सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हुए, 12 साल तक अपनी माता के पेट में रहे भगवान, 12 साल। और 12 साल के बाद होते चलते जंगल में, और 16 साल की आयु में भगवान ने भागवत कथा सुनाई। और जो राजा परीक्षित हुए ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के, और महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने पहले तो पांडवों के पांचों बेटों को सिर काट दिए थे, वे बाद में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ब्रह्मास्त्र को यह कह के छोड़ा कि माता को तो कुछ ना होए और माता पेट में जो बच्चा वो नष्ट हो जाए। तो उत्तरा को दर्द हुआ, उत्तरा ने भगवान को आदेश प्रभु रक्षा करो, भगवान दौड़ के गए, छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के घर में प्रवेश किया और राजा परीक्षित की ब्रह्मा से रक्षा की। जिस बच्चे को गर्भ के अंदर भगवान ने चतुरूप के दर्शन देने, कितना महान है वो, और जन्म होने पहले परीक्षा होगी तो उनका नाम परीक्षित रख दिया। और राजा परीक्षित के समय में कलयुग की शुरुआत हुई है। राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान दिए थे जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होती हो, स्त्री का अपमान हो, मांस मदिरा का सेवन हो। ये स्थान लेने के बाद में कलयुग को शांति मिली। राजा परीक्षित पैरमुखिरा विनती करने लगा कि आप तो पूरे भारत के सम्राट हैं, धर्मात्मी राजा, पांडव के पोते हैं, आप भी तो कुछ स्थान दे दीजिए। सोने में स्थान दिया था राजा परीक्षित ने, फिर कुछ स्थान दिए थे जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होती हो, स्त्री का मांस मदिरा का सेवन होता हो। ये स्थान लेने के बाद में कलयुग को शांति नहीं मिली। राजा परीक्षित पैरमुखिरा का विनती करने लगा आप तो पूरे भारत के सम्राट है, धर्मात्मी राजा, पांडवों के पोते हैं, आप भी कोई स्थान दे दिए। तो राजा परीक्षित ने कहा जहाँ भी अनीति से धन कमाया हो उस धन में कलयुग तेरा वास हो जाए। और अनीति से कुछ भी धन कमाते पर सबसे ज्यादा मन किस में जाता, सोने में, चांदी में, हीरे जवाहरात में। वचन दे बाद महल में गए राजा परीक्षित तो सोचने लगे जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या धन इकट्ठा किया। तो खजाने भंडार में गए तो देखा तो हीरा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सभी बड़े पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे अच्छा वो भी किसका था, राजा जनक सिंह का, जो आने थे धन का माया था। राजा भी उसको उठा उठा के पहन लिया, ना सोचा ना समझा किसका था कौन लाता। उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने समय ऋषि गले मरा सांप डाल दिया और समय पर संगे सांप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने वे पिता गले मरा सांप गिरा आज से सातवें दिन वो नाग तक्षनाग बन के डसे। तो उसी हिसाब से मुक्ति पाने के राजा परीक्षित ने पढ़ाए और भगवान सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। भगवान सुखदेव जी ने 6 दिन तक भागवत कथा सुनाई, 7वां दिन शुरू हुआ तो भगवान ने सावधान किया, देखो भी तक्षनाग आने वाला है। और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को अष्टांग योग के द्वारा उनके आत्मशरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, उसी मिट्टी रूपी शरीर में आगे तक्षनाग डगमा दिया, सही जो तराक हो गया। तो भगवान सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कराई। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से, वही मोक्ष राजा परीक्षित को मिला, उसके भागवत पूरे संसार में शुरू हो गई। बोलो सुखदेव जी महाराज जय।